हाय गाइस, सीए जय चावला दिस साइड। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप ये वीडियो से समझ गए होंगे, सीए इंटर और आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, व्हाट आई एम प्लानिंग टू गिव यू इज चैप्टर वाइज रिवीजन। यस, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आप बोलो, रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सो गाइज, मैंने प्लान किया है कि हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं, एक ग्रुप वन में अकाउंट्स और एक ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट्स, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ओल्ड सिलेबस में हैं या फिर न्यू सिलेबस में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिकली मैं इस बार क्या कर रहा हूं कि मैं चैप्टर वाइज रिविजन डाल रहा हूं यूट्यूब पे। राइट, चैप्टर वाइज रिविजन यूट्यूब पे रहेगा। यूट्यूब पे कौन से चैनल पे रहेगा, ये सीए जय चावला चैनल और दूसरा वी स्मार्ट अकेडमी, दोनों चैनल्स पे साइमल्टेनियसली ये रिवीजन वीडियोस डालेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंटली सुन लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, चैप्टर वाइज रिवीजन डालूंगा जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम एग्जाम डे में पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, ऐसा तो होता नहीं कि पूरा ही सब्जेक्ट हमें नहीं समझ में आ रहा, बट पर्टिकुलर एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं किसी किसी बच्चों के लिए, कोई कोई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो एग्जाम टाइम में हमें लगता है या तो छोड़ के चले जाएं या तो हमें कोई समझा दे अच्छे से। तो उसी पर्पज से मैंने ये वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं और ये वीडियोज मैं डाल रहा हूं। राइट, जैसे पार्टनरशिप का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, ब्रांच का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, राइट, डिपार्टमेंट का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेपरेट टॉपिक हो गए, ठीक है ना, कंसोलिडेशन का एक सेपरेट हो गया, अमेलगमेशन सेपरेट हो गया। सो आई विल ट्राई कि मैं हर टॉपिक, चाहे ग्रुप वो ग्रुप वन का हो चाहे ग्रुप टू का हो, मैं हर टॉपिक अपलोड करूंगा। मैंने क्या बोला, आई विल ट्राई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गालियां खाऊं आप सब लोगों की। मेरे पास जितना भी हो सकेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं रिवीजन वीडियोस, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन वीडियोस अपलोड करता जाऊं और आप उसका बेनिफिट उठाते जाओ। दूसरी बात, नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करोगे और मैं आपको, आप मुझसे बोलोगे सर वो नोट्स मुझे शेयर कर दो और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा आपका मैसेज अगर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे नोट्स मांगोगे तो। सो कृपया करके रिक्वेस्ट कि वीडियोस, जो भी चैप्टर वाइज वीडियो है, हर चैप्टर में उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, अच्छा सर ये रिवीजन वीडियो किस टाइप का होगा, ये रिवीजन वीडियो कैसा होगा वो सुन लीजिए। बेसिकली एक बात याद रखिए, दीज रिवीजन वीडियोस कैन नॉट बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर कोर्स एंड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। मेरा रेगुलर कोर्स आता है जो बिल्कुल ही फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी वो सब्जेक्ट टच नहीं किया, या मेरा एक फास्ट ट्रैक कोर्स आता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे एक फास्ट ट्रैक कोर्स आता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी किसी दूसरे टीचर से पढ़ा बट उनको नहीं समझ में आया, या उनको आधा आया आधा नहीं आया, या उनको टाइम हो गया उनका बहुत टाइम से निकल नहीं रहा, नाउ दे जस्ट वॉन्ट कि उनको एक बार और पूरा फ्रेशअप हो जाए उस सब्जेक्ट से, तो वो फास्ट ट्रैक में पढ़ते हैं। बट दिस इज अ रिविजन वीडियो। रिविजन वीडियो का सबसे मेरा प्राइम पर्पस होता है, टारगेट होता है कि एग्जाम डे में, मतलब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने ये पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं पूरे टॉपिक से बाय रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल एज बाय डूइंग सम क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब एकाध क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में, कि जैसे कोई भी एक टॉपिक किया उसका हमने एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया, दैट्स इट, आगे बढ़ो। तो ये एक रिवीजन है, तो याद रखिएगा कि ये रिवीजन वीडियो है, ये एग्जाम पर्पस से आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दीज वीडियोस कैन नॉट बिकम द सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर कोर्स एंड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। वो कई ज्यादा बेहतर होते हैं, कई ज्यादा बहुत गुना अच्छे होते हैं। ये सिर्फ एक रिविजन वीडियो है। ये वीडियोस चाहे मेरे कोई स्टूडेंट, चाहे कोई एग्जिस्टिंग मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे कोई स्टूडेंट नहीं भी है, कोई किसी और फैकल्टी से भी पढ़े हुए हैं, चाहे वो उन्होंने सेल्फ किया है, सबके लिए रहेंगे। आप कोई भी कहीं से भी पढ़ चुके हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस नोट। मैं एक चीज आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के साथ साथ मेरा
टेलीग्राम ग्रुप, सीए इंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है फॉर अपडेट्स एंड डाउट्स एंड डिस्कशन, वो जरूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज 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 वो जरूर सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। दूसरा, इंस्टाग्राम का भी लिंक उसमें है, फेसबुक का भी लिंक है, आप मेरे दोस्त भी बन सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, तो आप जरूर वो चीज भी कर लेना। प्लस ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर सभी के साथ शेयर करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। सो गाइज, विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, आपको इसी के कंटिन्यूशन में आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप के ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कृपया करके प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 7887788705। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी हो, थैंक यू। ब्रांच तो आता होगा सबको, इजी टॉपिक है बहुत, नहीं तू जाना, हाँ जल्दी बोलो। ब्रांच आपको कितने लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, कितने लोगों को टफ लगता है, कितने लोगों को इजी लगता है? कितने लोगों को बहुत टफ लगता है, कोई है? चलो बहुत टफ वाले तो नहीं है, कोई नहीं है, आप खड़ा करना चाहते हो हाथ? ब्रांच में बहुत सारे मेथड्स, वो डिपेंडेंट ब्रांच में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अच्छा अच्छा, मैं रिवाइज तो करवा रहा हूँ ना, ये बोल रही है आप रिवाइज करवा दोगे तो अच्छा रहेगा, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को बहुत ही आसान लगता है? तू कुछ बोलता ही नहीं है ना, हाँ? कितने लोगों को मीडियम मीडियम लगता है, लगता है हाँ सर ओके ओके टाइप से? ओके, ब्रांच का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो चॉइस में छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ दोगे? डिपेंड करता है किस पे, पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है? ओके, सो गाइस सी, ब्रांच छोड़ने लायक तो है नहीं, यस देर आर सम कंफ्यूजन्स, मैं टोटली एग्री करता हूं जो इन्होंने बोला कि सर कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, नाउ वी विल ट्राई कि वो कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएं, कि जब हम ब्रांच अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है तो अपने कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपको पता है ब्रांच अकाउंट्स में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप ब्रांच अकाउंट को इकट्ठा एज अ होल अगर आप रिवाइज करोगे एट अ स्ट्रेच पे और चारों मेथड्स को इकट्ठा एनालाइज करोगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप क्या करते हो, आप एक मेथड करते हो, एक मेथड आपको बहुत समझ में आ जाता है, फिर आप जब दूसरे मेथड पे आते हो तो आप पहले वाले मेथड्स के लॉजिक ही भूल जाते हो, लगता है अरे यार वो क्या था, वो तो भूल ही गए, उसमें तो ये किया था अब इसमें ये क्यों कर रहे हैं, तो लॉजिक्स अगर भूलोगे तो फिर वो कन्फ्यूजन्स आपके डेफिनेटली क्रिएट होंगे और वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल ट्राई कि हम हर मेथड्स को एक एक करके उठाएं और प्रॉपरली उसको डील करें। ठीक है, मैं ब्रांच अकाउंटिंग ले रहा हूं, इसमें मैं फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि फॉरेन ब्रांच अपन ने AS 11 में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल जैसा पढ़ा था वही आपको अप्लाई करना है। बच्चों समझ में आ रही बात की नहीं? हम यहां पर ब्रांच अकाउंट्स को दो हिस्सों में कवर करेंगे, एक डिपेंडेंट ब्रांचेस और एक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। जो बड़ा पार्ट है वो है डिपेंडेंट ब्रांचेस, जो जो बड़ा टाइम लेगा वो क्या लेगा? डिपेंडेंट ब्रांचेस, जो और जो कम टाइम लेगा वो लेगा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, डिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब जिन ब्रांचेस के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते, क्या नहीं बनते? हाँ, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है।
जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से बनाता है, दैट मीन्स जो खुद के सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करता है, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जिसकी खुद की होती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो यार। ओके, नाउ पहले स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांचेस, जहां पर ब्रांच का खुद का कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन रहे। आपको इसमें सीखने हैं चार मेथड, आपको इसमें सीखना है चार मेथड, ठीक है? पहला फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस। कौन सा बेसिस? कॉस्ट बेसिस। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस, ठीक है? दूसरा, यही फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस। कौन सा बेसिस? आईपी बेसिस। आईपी मतलब बेटा इनवॉइस प्राइस, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस, ठीक है? तीसरा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है गाइस? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और चौथा, डेटर्स मेथड। फोर्थ रहता है डेटर्स मेथड, ठीक है? अब मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स, ये क्या है? हाँ वो मुझे पता है, अच्छा लिखा है मैंने, हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस अगर ब्रांच को गुड्स भेज रहा है तो क्या बोलेंगे? गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट 100 रुपीज, तो जरूरी है क्या 100 पे भेजे? जल्दी बोलो, 100 पे भेज भी सकता है, 100 पे नहीं भी भेज सकता है। अगर 100 पे ही सेंड कर रहा है तो कॉस्ट पे सेंड किया, और अगर मैंने बोला कि सेंड किए 120 रुपए में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अपन 120 को क्या बोलेंगे? आईपी। ये 20 रुपीज का प्रॉफिट किसने अर्न किया? हाँ, हेड ऑफिस ने। किसने अर्न किया बच्चों? बस यही तो आपको समझना है कि हमेशा स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस हटाएगा। कौन हटाएगा? हेड ऑफिस हटाएगा। कौन हटाएगा स्टॉक रिजर्व? क्यों? हेड ऑफिस कमा रहा है तो एलिमिनेट भी कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन किसको गुड सेंड कर रहा है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने 1,00,000 रुपए के गुड्स 1,20,000 में ब्रांच को सेंड कर दिए, ठीक है? ब्रांच ने पूरे के पूरे 1,20,000 में, ये 1,20,000 के गुड्स पूरे के पूरे सेल कर दिए। बैलेंस शीट डेट पर ब्रांच के पास कोई भी स्टॉक नहीं है। बताओ, क्या हेड ऑफिस को एलिमिनेट करना चाहिए कोई भी प्रॉफिट अपनी बुक्स में से? बोलो बेटा, एलिमिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हां कि ना? हां ना? कुछ लोग हैं हां वाले, और कुछ लोग ना वाले, और कुछ लोग पता ना। हाँ, जल्दी बोलो, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। हेड ऑफिस ने 1,00,000 रुपए के गुड्स ब्रांच को सेंड किए, ब्रांच ने 1,20,000, ब्रांच को इसने सेंड किया 1,20,000 में, 20,000 का प्रॉफिट हेड ऑफिस ने कमाया अपने, हेड ऑफिस ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ये 1,20,000 के पूरे गुड्स ब्रांच ने सेल कर दिए। बैलेंस शीट डेट पर ब्रांच के पास कोई स्टॉक नहीं है। टेल मी, क्या हेड ऑफिस को 20,000 का प्रॉफिट एलिमिनेट करना चाहिए? हाँ या ना? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ब्रांच के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखा, दैट मींस हेड ऑफिस ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो रियलाइज्ड हो चुका है। कौन सा हो चुका है? इसका मतलब
हेड ऑफिस सिर्फ कौन सा वाला प्रॉफिट एलिमिनेट करता है? अनरियलाइज। और अनरियलाइज प्रॉफिट कब निकलता है? जब ब्रांच के पास हेड ऑफिस के अनसोल्ड गुड्स रखे हो। क्या बोला? ब्रांच के पास हेड ऑफिस के अनसोल्ड गुड्स रखे हो। बच्चों समझ में आ रही बात? बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया आईपी। ब्रांच अगर गुड्स सेल कर रहा है 150 पे, तो 150 को क्या बोलेंगे? बोलो क्या बेटा, क्या बोलेंगे? ये सेलिंग प्राइस। हेड ऑफिस के लिए भी सेलिंग प्राइस हो सकती है, ब्रांच के लिए भी सेलिंग प्राइस हो सकती है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर। अच्छा, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस। इस फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस में आपको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच। अच्छा, किस पे? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का आएगा किस पे? बेटा जब हम बोलते हैं वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट मींस व्हाट? हेड ऑफिस की कॉस्ट की ब्रांच की कॉस्ट? हेड ऑफिस की कॉस्ट, क्योंकि इसके जो ब्रांच की जो बुक्स है वो को बना कौन रहा है? हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच तो डिपेंडेंट है। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक किस पे लिखेंगे? हाँ, अच्छा, परचेजेस किस पे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखेंगे? जल्दी बोलो, कॉस्ट पे। पर क्या सेल भी कॉस्ट पे लिखेंगे क्या? सेल तो सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे। बोलो बेटा, अगर ये सब हम कॉस्ट पे कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे दिखा रहे हैं? किस पे दिखा रहे हो? ओपनिंग स्टॉक किस पे दिखा रहे हो? जब कॉस्ट पे दिखा रहे हो तो एलिमिनेट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आपने चीजों को ही, आपने स्टॉक को हमेशा किस पे दिखाया है? तो एलिमिनेट करोगे भी क्या? आपको एलिमिनेट तभी करना पड़ता है जब स्टॉक कॉस्ट पे ना दिख के इनवॉइस प्राइस पे दिख रहे हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर नो नीड टू एलिमिनेट, नो नीड टू एलिमिनेट स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा बात समझ में आएगी नहीं? कौन से मेथड में बोला मैंने एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है? फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर मैं यही बोलूं फाइनल अकाउंट सिस्टम इनवॉइस प्राइस बेसिस, अब मुझे बताओ यहां पर भी क्या बनाएंगे? बोलो बेटा, ब्रांच ट्रेडिंग। और ये जो ब्रांच ट्रेडिंग बनेगा ये किस पे बनेगा? बोलो बेटा, पीएनएल भी बनेगा, पर पीएनएल में इनवॉइस प्राइस का कोई लफड़ा नहीं होता। ट्रेडिंग में क्या आएगा? इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब बताओ कौन कौन सी चीजें इनवॉइस प्राइस पे आएंगी? बोलो बेटा कौन कौन सी चीजें? ओपनिंग स्टॉक, बोलो बेटा, और परचेज, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ये सब किस पे आएंगे? इनवॉइस प्राइस। अच्छा, सेल किस पे आएगा? सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे है? ओपनिंग स्टॉक भी किस पे है? इनवॉइस प्राइस कॉस्ट से ऊपर है। इसका मतलब हेड ऑफिस को क्या हटाना पड़ेगा? हाँ, तो हेड ऑफिस शेल कैलकुलेट एंड एलिमिनेट स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बेटा सिर्फ क्लोजिंग पे निकालेंगे कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पे निकालेंगे? हाँ, दोनों पे पक्का? तो बताओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ब्रांच का, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें ओपनिंग स्टॉक 80,000 पे दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक
120 पे दिख रहा है। हेड ऑफिस ने इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकाला 5000 और इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकाला 8000, क्या होगा बताओ दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस 8000 का और इस 5000 का होगा क्या? ये ब्रांच का ट्रेडिंग है, आप ना भूलना मत, मैंने आपको बोला था कि कौन एलिमिनेट करता है प्रॉफिट, कौन करता है, तो हेड ऑफिस कहां से एलिमिनेट करेगा, अपने प्रॉफिट में से कि ब्रांच के प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट में से ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉफिट भी तो उसे नहीं कमाया था। बोलो बेटा, तो पहला सवाल, क्या ये 8000 और 5000 स्टॉक रिजर्व ब्रांच के पीएनएल में जाएंगे कि हेड ऑफिस के पीएनएल में जाएंगे? एग्जैक्टली, आधे से ज्यादा लोग गलतियां क्या करते हैं, बेवकूफी, कि आपने ब्रांच का पीएनएल बनाया और ये स्टॉक रिजर्व आप ब्रांच के पीएनएल में लिख के आ गए, ब्रांच के पीएनएल में लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रांच के पीएनएल में क्यों लिख रहे हो, आपने तो निकाल के वापस से उसी में रख दिया, फिर एलिमिनेट कहां से हुआ, एलिमिनेट तब होगा ना जब हेड ऑफिस निकाल के रखेगा। आई बेटा समझ में बात? अच्छा, तो ये चीज कहां जाएगी बेटा, हेड ऑफिस के। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से साइड में जाएगा और ये कौन से साइड में जाएगा, बोलो बच्चों, जो क्लोजिंग स्टॉक का होगा वो कौन से साइड में जाएगा, क्यों डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है बेवजह का, और इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट मुझे अपना घटाना पड़ेगा। बोलो बच्चों, तो यहां पर क्या नाम आएगा, टू स्टॉक रिजर्व, और ये वाला कहां हटेगा, बाय स्टॉक रिजर्व। अच्छा, ये हट नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक का हटा नहीं रहे बल्कि और प्रॉफिट जोड़ रहे, क्यों, लास्ट टाइम का सोचो क्या किया होगा, लास्ट टाइम हटाया होगा तो डेबिट साइड लिखा होगा, करंट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक सेल कर दिया तो पिछली बार क्योंकि हटाया था, इस बार वापस से प्रॉफिट को जोड़ दो। बच्चों समझ में आया कि नहीं, अब या तो आप अकेले ऐसे ऐसे लिखो या तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिखो। बच्चों समझ में आया कि नहीं, नेट करके लिखो, बात देखिए क्लियर हुआ कि नहीं, पर ये आएगा किस में, हेड ऑफिस के पीएनएल में, ये याद रखिएगा। बोलो बच्चों आया कि नहीं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो कैसे निकालते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है ना ओपनिंग, बोलो ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी बोलो, प्लस बोलो, अच्छा परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न, बोल सकते हैं कि नहीं, परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न, हाँ, और माइनस सेल कर देंगे, कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो नहीं है, छोड़ो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होगा, परचेज कॉस्ट पे होगा, तो सेल भी, सेल को भी सेलिंग प्राइस पे होगा, सेल तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल तो लेंगे पर सेल की कॉस्ट लेंगे। अच्छा बच्चों, अगर कॉस्ट की जगह आईपी ले रहा हूं तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, और यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, आईपी, एक और चीज माइनस होगी, यस, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, तो आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है बेटा, जल्दी बोलो गाइस, क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें सिली मिस्टेक कहां करते हो आप लोग। सिली मिस्टेक क्या करते हो कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, परचेज दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, तो आपको लगेगा सब तो दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल भी दिया हुआ है, तो बस ये वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्या? ये वर्किंग आपको फिर भी निकालनी पड़ेगी, हो सकता है क्वेश्चन में हिडन हो शॉर्टेज का अमाउंट, कितना शॉर्टेज होगा वो अमाउंट हिडन हो, तो ये शॉर्टेज निकालने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो बेटा। तो ये वर्किंग आपको करना ही पड़ेगा फाइनल अकाउंट कॉस्ट मेथड में, कॉस्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग, फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी मेथड में, आईपी के अकॉर्डिंग वर्किंग। बेटा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। बढ़े बेटा, टेल मी आगे बढ़े कि नहीं? आइए बेटा क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन को पढ़ो बेटा जल्दी, क्वेश्चन नंबर टेन पढ़िए। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज हैविंग एट ब्रांच एट कोलकाता, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस। बेटा इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ब्रांच हैज इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस का मतलब क्या हुआ बेटा? ब्रांच के पास कैश इन हैंड जीरो हो जाएगा एंड में। बोलो बच्चों। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय ब्रांच मैनेजर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। बेटा इसको इग्नोर करो, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट को इग्नोर करो, आपको मैं बोल रहा हूं कि आप तो फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस पे बनाओ। कौन सा बेसिस? क्या बनेगा कॉस्ट बेसिस पे? क्या फाइनल अकाउंट, क्या बनेगा फाइनल अकाउंट? बोलो बेटा। ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट इंपॉर्टेंटली, ठीक है? ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बताओ ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम कौन सा ढूंढो बेटा। 30,000 आईपी पर है, ऊपर प्राइजेस देखना क्या था? अरे बोलो यार, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो एक काम करो, सेल को मानो 100। बोलो बच्चों, सेल को मानो 100, तो प्रॉफिट आ जाएगा 20, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 80। अरे बोलो यार, तो आप इस तरीके से आप 30,000 का कॉस्ट निकाल लीजिए। कितना? 25,000। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके,
नेक्स्ट स्टॉक हो गया, क्या डेटर्स आपको लिखने की जरूरत है क्या? अरे जल्दी बोलो, क्या ट्रेडिंग में डेटर्स आते हैं क्या? नहीं आते। कैश इन हैंड? नहीं। ऑफिस फर्नीचर? नो। अच्छा ये तो आएगा, जल्दी बोलो। गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस 160,000। बेटा हेड ऑफिस ये ब्रांच के लिए परचेज हो गया, तो यहां पर आएगा गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। जल्दी इसकी कॉस्ट निकालो, 160,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80। हाँ 1,28,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000, करो इसका भी कॉस्ट। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस जल्दी बोलो, 1,600। तो ये -1,600 नेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे ना, ठीक है बेटा? अरे ये समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स जल्दी बोलो, नहीं आएगा ये, कैसी बातें करते हो, ये नहीं आएगा, ये सेल्स के रिटर्न में आएगा, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये नहीं आएगा, कैश सेल क्रेडिट सेल, हाँ ये दोनों चेक करो, कैश सेल क्रेडिट सेल कितनी है? हाँ 160 माइनस रिटर्न, माइनस रिटर्न कितना था? 960। बाहर कितना आएगा? 15। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स बोलो बेटा, पी एंड एल, हा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, पी एंड एल बोलो बेटा, पेटी एक्सपेंसेस पी एंड एल बोलो, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, पी एंड एल स्टॉक बोलो बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? कितना? 22,400। ओपनिंग 24 है, ओके। इसमें क्या चीज मिसिंग हो गई, क्या चीज रह गया? शॉर्टेज, जल्दी बोलो, शॉर्टेज रह गया कि नहीं? पहले चेक करो कुछ दिया तो नहीं है शॉर्टेज के बारे में, बोलो बच्चों। अब एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, जब आप शॉर्टेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस गुड्स सेंट, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट बोलना कितनी थी? 24। हाँ बोलो बेटा, गुड्स शॉर्टेज कितना लिखूं, गुड सेंट कितना लिखूं, सॉरी गुड सेंट, गुड सेंट जल्दी बोलो, $126,400 टोटल बताओ, 150,400। इसमें से कुछ पार्ट COGS होगा, कुछ पार्ट स्टॉक होगा क्लोजिंग, अरे बोलो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ, तो गुड्स सेल, गुड्स सोल्ड का सेल वैल्यू देखना कितना है, सेल वैल्यू जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 159,000, ठीक है, और सेल क्या माना था हमने, 100 बोलो बच्चों, और कॉस्ट क्या माना था, 80, 127,
232। अच्छा कॉस्ट स्टॉक का किस कितना कॉस्ट आया 22400। अब निकालो शॉर्टेज, सेवन सिक्सटी एट क्या आ गया आपका शॉर्टेज। क्लियर गाइस, शॉर्टेज आ गया, यहां पर आपका जीपी आ जाएगा और ये जो शॉर्टेज होगा इसको एबनॉर्मल लॉस मानते हुए अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे। शॉर्टेज को एबनॉर्मल लॉस मानते हुए पीएनएल में डेबिट करेंगे। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? दिस वाज कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड था ये? कॉस्ट मेथड। अगर यही पर आईपी मेथड होता तो स्टॉक किस पे आता? क्या वैल्यू है जल्दी बोलो, क्या वैल्यू है? तो 30,000 के ऊपर आप स्टॉक रिजर्व निकाल लेते और ओपनिंग के ऊपर भी आप स्टॉक रिजर्व निकाल लेते और दोनों स्टॉक रिजर्व कहां जाते? हेड ऑफिस के पीएनएल में। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी गाइज अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो दीज वर द टू मेथड्स अंडर विच वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड और फाइनल अकाउंट सिस्टम कौन सा मेथड? इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट मेथड में स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है और आईपी में स्टॉक रिजर्व तभी निकालना है जब क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास हेड ऑफिस का पड़ा हुआ है। गाइस समझ में आया कि नहीं? टेल मी गाइस। अब बचे दो मेथड्स, कौन से दो मेथड्स? टेल मी गाइस कौन से दो मेथड्स? स्टॉक एंड डेटर्स। गिविंग यू 10 मिनट्स का ब्रेक, ओके 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको, ब्रेक के बाद अपन ये दो मेथड्स पे चलेंगे, ठीक है? आप ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लास्ट सेशन 5:30 हुए हैं, अपने पास कम से कम 3 घंटे हैं, ठीक है? क्या मिक को भी देना होता है तो किस किस को देता है? 1 घंटा मम्मी को भी देना होता है तो और किस किस को देता है तू घंटे? हाँ ओके चलो अपन जब अपने को लगेगा कि अपन बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अब नहीं हो पा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो अपन बंद कर देंगे, ठीक है? ब्रांच के दो मेथड्स बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उसमें थोड़ा समय भी लगेगा, इसीलिए ध्यान से मेथड्स को सुनते जाओ और लिखते जाओ, करते जाओ। अब तू लिख तो नहीं पाएगा, दूसरा पेन है। चलो बेटा, ब्रांच का थर्ड मेथड इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपको बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट।
ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। क्या गोल्डन रूल याद रखना है, हमेशा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट आईपी पे बनना चाहिए। किस वैल्यू पे बनना चाहिए? आईपी वैल्यू पे बनना चाहिए, हमेशा ब्रांच स्टॉक आईपी वैल्यू पे। मतलब जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक, वो भी आईपी पे होगा। फिर टू गुड्स सेंट, ये भी आईपी पे होगा। ठीक है बेटा, बाय गुड्स रिटर्न, ये भी आईपी पे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ब्रांच का स्टॉक बना रहे हो, मतलब ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, ब्रांच का स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट। तो ब्रांच का स्टॉक कब कब बढ़ेगा? जब उसको हेड ऑफिस से गुड्स मिलेंगे। ब्रांच का स्टॉक घटेगा कब? जब वो गुड्स है या तो ब्रांच को रिटर्न करेगा या तो जब वो सेल करेगा। तो जब वो सेल करेगा तो बाय ब्रांच डेटर्स, जब वो क्रेडिट सेल करेगा, या बाय ब्रांच कैश, ये क्रेडिट सेल, ये कैश सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल। मैं यही बता देता हूं, पूरे पत्ते खोल लेते हैं अपन, सुनो ध्यान से। आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर डेटर जो है वो अपने एसपी पर दिया हुआ है। कौन से प्राइस पर दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। मैंने आपको गोल्डन रूल क्या बताया, हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? अगर आपको डेटर का वैल्यू सेल प्राइस पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो उसका अलग से एसपी माइनस आईपी करके जो लोडिंग पोर्शन होगा, जो लोडिंग वाला पोर्शन होगा वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? किस नाम से? ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से। किस नाम से बेटा? ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से। ये है क्या चीज? लोडिंग, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। मैं इसको एरो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ब्रांच डेटर वाली जो सेल है, अगर वो सेलिंग प्राइस पर है तो, जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखो दो बातें होंगी यार, पता है, आप अगर क्वेश्चन में उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी ना, आईसीए के पास ना इतना डेटा है क्वेश्चंस का, इनके क्वेश्चंस का, तो मैं आपको अलग एक एक करके डेटा बता रहा हूं। सबसे पहले आईसीए के पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोलेगा कॉस्ट इज इक्वल टू 100, आईपी इज इक्वल टू 120। वो आपको सेल के बारे में कभी बताएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलने देगा कि सेल क्या है। अगर पता ही नहीं चलने देगा सेल क्या है, तो आप समझ जाना कि आपको डेटर्स और कैश जो वैल्यू पर दिए गए हैं वही आईपी है, वही सेल है, जो भी है सब कुछ वही है। अरे सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं बेटा, समझ में आ रही बात की नहीं? तो आईपी आईपी है, हर चीज आपको आईपी पे लिखनी है। डेटर्स और जो डेटर्स और ब्रांच कैश है, मतलब सेल जो है वो भी मान लो आईपी पर है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? और आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा। बच्चों क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे केस में ये जो चीज है, अगर आपका यहां पर सब आपने लिख लिया, जैसे आपने क्लोजिंग लिख लिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी आपका आईपी पर, आपका शॉर्टेज था तो आपने शॉर्टेज भी लिख दिया बाय एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल लॉस, ये भी आपका आईपी पर। बच्चों समझ में आया कि नहीं? और आपको तो पता ही नहीं कि सेल प्राइस क्या है, उन्होंने दिया ही आपको कॉस्ट और एसपी है, कॉस्ट और आईपी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे केस में आपका ये अकाउंट 100% टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है और यहां पर कुछ बैलेंस आ रहा है, तो ये वो लोडिंग होगी जो अभी मैंने मिटाई थी। अरे समझ में आया कि नहीं? ये वो लोडिंग होगी। इसका मतलब उन्होंने आपको सेलिंग प्राइस अलग से दिया तो नहीं है, पर यहां पक्की बात है ये चीज कुछ ना कुछ आईपी के ऊपर होगी, तभी आपका यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी हाल में यहां पर अगर आपको कोई बैलेंसिंग फिगर आए, तो वो आपका क्या होगा? टू ब्रांच एडजस्टमेंट, यह आपका होगा लोडिंग, सेलिंग प्राइस माइनस आईपी। बाकी सारी चीजें आपको आईपी पर लिखनी है। बच्चों समझ में आ रही कि नहीं?
एक क्वेश्चन आएगा जहां पर वो आपको कॉस्ट भी देगा, आईपी भी देगा, सेलिंग प्राइस भी देगा, तीनों चीजें देगा। ये तो और अच्छा हो गया, उसने आपको तीनों चीजें दे दी, तो आप खुद ही निकालोगे ये लोडिंग, आपको बैलेंसिंग फिगर करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा समझ में आया कि नहीं? हाँ, लोडिंग किस पे निकलेगी? ये वाली लोडिंग किस पे निकलेगी? ये वाली लोडिंग किस पे निकलेगी? किस पे? सेल पर। किस पर? अगर वो सेल कौन से वैल्यू पर है? सेलिंग पर। अगर आप सेल पर निकाल रहे हो तो सेल्स रिटर्न पर भी तो निकालोगे, बोलो बच्चों। तो सेल्स एज वेल एज सेल्स रिटर्न का नेट करके आप निकाल देना। समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? पक्का गाइस? हाँ। अब एक अकाउंट आपको और बनाना है, विच वुड बी ट्रीटेड एज नोन एज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको ये अकाउंट बनाना है। ये अकाउंट बेसिकली है क्या? ये आपका लोडिंग का अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? लोडिंग, मार्जिन का। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप ब्रांच स्टॉक को आईपी पर बना रहे हो। किस पर बना रहे हो? तो ओपनिंग स्टॉक किस पर है? तो इसका स्टॉक रिजर्व आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग। बेटा स्टॉक रिजर्व मतलब कौन सी दो चीजों का डिफरेंस? नहीं बेटा, आईपी और कॉस्ट। देखो, सेलिंग प्राइस और आईपी का डिफरेंस तो आपने यहां लिख लिया ना, समझ में आई बात कि नहीं? पर अब आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस लिख रहे हो। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फिर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये कौन सी चीज है बच्चों? ये कौन सी चीज हो सकती है? ये लोडिंग लिखा है, ये बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा है, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला। अरे इसका मतलब शॉर्टकट याद रखो, जितनी भी चीजें आपने ब्रांच स्टॉक में आईपी पर लिखी हुई है, किस पर लिखी हुई है? आईपी पर। उन सबका लोडिंग कहां ले जाओगे? इसका मतलब ओपनिंग का लोडिंग ले जाओगे, क्लोजिंग का लोडिंग ले जाओगे, गुड्स सेंट का ले जाओगे, गुड्स रिटर्न का ले जाओगे, बोलो बेटा। और अगर सेल वाला आइटम था तो उसका तो आपने ये अलग से निकाल ही लिया है, तो ये वाला इसका भी पोस्टिंग करो, इसका भी पोस्टिंग करो। इसका पोस्टिंग कहां जाएगा? बाय ब्रांच स्टॉक, ये वो वाला एसपी माइनस आईपी। ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर है यहां तक? अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, अपन चलेंगे क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। निकालिए बेटा क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन निकाला। रेड एंड व्हाइट ऑफ मुंबई स्टार्टेड अ ब्रांच एट बेंगलोर ऑन 1/4/12 टू विच गुड्स वर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। बेटा 100 क्या मानोगे? कॉस्ट। आईपी क्या मानोगे? बोलो बेटा। और ये ब्रांच स्टार्ट कब किया है? तो 1/4/12 को ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, बोलो ना बच्चों। ठीक है, फिर ब्रांच मेक्स बोथ क्रेडिट एंड कैश सेल्स। ब्रांच दोनों टाइप की सेल करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश एंड बैलेंस मनी रेमिटेड टू हेड ऑफिस। ठीक है,
The branch does not maintain double entry books of accounts and necessary relating necessary accounts relating to the branch are maintained in head office. ठीक है. Cost of goods sent to branch 1,00,000. बेटा please इसका IP निकाल के साइड में लिख लो. इसका IP निकालो बेटा साइड में. 120. बोलो ना बच्चों कितना आएगा. 120. अच्छा, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 मार्च 13 एट आईपी. रुक जाओ रुक जाओ. पहला पॉइंट क्या था? सेंड टू ब्रांच. क्या था? और उसका आईपी आपने कितना निकाला? सेंड टू ब्रांच. ठीक है ना. अब रिसीव बाय ब्रांच कितना है? इसका मतलब 120 भेजे, 120 आईपी, और रिसीव कितने हुए? 1,00,000. वो भी आईपी है, मतलब 12,000 गुड्स इन ट्रांजिट. बोलो बेटा, लिख लो साइड में 12,000 गुड्स इन ट्रांजिट. गुड्स इन ट्रांजिट सर, गुड्स इन ट्रांजिट का क्या ट्रीटमेंट होगा? दो तरीके, या तो आप इधर लिखो टू गुड्स सेंट 1,20,000 और बाय जीआईटी 12,000. अरे समझ में आएगी नहीं, बोलो. और अगर आपको जीआईटी दिखाना ही नहीं है तो आप यहां लिखो 1,08,000. बच्चों समझ में आएगी नहीं? बोलो बेटा क्लियर. चलो आगे. क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, क्या उन्होंने एसपी अलग से बताया है आपको? बोलो बेटा. नहीं पता, हमें पता ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 1,16,000. डेटर्स, बैड डेट्स, कैश रेमिटेड, क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट आईपी. अच्छा, एट आईपी. बेटा एक काम करो ना, ये 12,000 आईपी है, इसका कॉस्ट निकाल लो प्लीज. इसका कॉस्ट निकाल लो बेटा. कॉस्ट कितना होगा इसका? कितना? 10,000. इसका मतलब इसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 2,000. बोलो बच्चों. अच्छा, इसमें ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? स्टार्ट हुई है इसलिए ओपनिंग जीरो. बच्चों क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक्सपेंसेस भी हो गए. ड्रॉप नेसेसरी लेजर अकाउंट छोड़ो. नेसेसरी लेजर अकाउंट हम बनाएंगे अपने हिसाब से. पहला अकाउंट कौन सा बनेगा जल्दी बोलो? ब्रांच स्टॉक. और दूसरा कौन सा बनेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट. चलिए मेरे साथ बनाइए बेटा, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट. बच्चों बोलिए पहला आइटम क्या है? फिर से बोलो, पहला आइटम क्या है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? टू बैलेंस निल. जल्दी बोलो. ठीक है, पहला आइटम. आप सेकेंड आइटम, पहला आइटम क्या बोला आपने? गुड्स एंड. कितना लिखो? गुड्स एंड. याद रखना इसको मुझे आईपी पे लिखना होता है हमेशा, ब्रांच स्टॉक को. बताओ बेटा कितना लिखो? दो ऑप्शन है, या तो 120 या तो 1,08,000. बोलो कितना लिखना चाहते हो? 120. चलो 120 लिखा अपन ने. बेटा जैसे ही तुमने 120 लिखा, इसकी लोडिंग निकालो. बेटा इसकी लोडिंग निकली हुई है, 1,00,000 की कॉस्ट दी हुई थी ना गधो. 20,000 रुपए है ना, क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो? जल्दी बोलो कितना? 20,000. तो इसकी लोडिंग जाएगी यहां पर. मैंने आपको बोला था कि ये लोडिंग वाला अकाउंट होता है. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? बाय गुड सेंट. पता है क्या हो रहा है? हेड ऑफिस जो है वो पहले तो 1,20,000 के गुड्स भेज रहा है. वैभव सुन ले, 1,20,000 के गुड्स भेज रहा है. ठीक है, किसको भेज रहा है? किसको भेज रहा है? ब्रांच को. किसको भेज रहा है? ब्रांच को. ठीक है ना. तो वो अपने मेन पे दिखा रहा है 1,20,000, बट वो अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है. वो बोल रहा है यार देखते कि मेरा प्रॉफिट कितना जनरेट होता जा रहा है, तो उसमें वो अलग से दिखा रहा है कि चलो मैंने ब्रांच से ना 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर दिया. आया समझ में कि नहीं? ऐसे वो दिखाते जा रहा है. ठीक है, अब बच्चों तुम लोगों को चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो कोई शोर शराबा नहीं. जिसको चाहिए वो ठीक है, जिसको नहीं चाहिए वो न लेना. बेहतर है कि ना पियो, ज्यादा अच्छा है. गिराना मत बस. पिछली क्लास में गिरा रहे थे बच्चे बेवजह की फालतू. तो पीनी है तो पी लो, दो पीनी है दो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट शोर शराबा नहीं होनी चाहिए. ठीक है लावे जी, थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे शोर शराबा ना करें.
कलेक्ट नहीं, इनको बोलो डिस्ट्रीब्यूट आके कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान ध्यान मुझ पे होगा। अरे अरे मैं बता रहा हूं यार, तुम फालतू भाई इधर आ जा। पहली लाइन से तू डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर, जिसको चाहिए होगी वो तेरे को अपने आप देख लेगा, ठीक है। हाँ ओके, आप यहीं खड़े रहो। चलो पापा से शुरू करें बेटा, मिल जाएगी, सबको मिलेगी, शुरू करें। हाँ 120 अपन ने लिखा। अच्छा दूसरा आइटम बोलो कौन कौन सा है, जल्दी बोलो दूसरा आइटम बोलो जल्दी कौन सा है। वो तो हो गया ना, सेंट और रिसीव हो गया, पर उससे ये समझ में आया कि जीआईटी है, तो एक काम करते हैं जीआईटी लिख देते हैं यहां पर। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसमें पहला अमाउंट जीआईटी 12,000, पहला अमाउंट जीआईटी 12,000। बच्चों इस 12,000 के जीआईटी में कितना रिजर्व है, इस 12,000 जीआईटी में कितना रिजर्व है, 2,000 रुपए। बोलो बेटा, तो वो भी तो लोडिंग है। अरे लोडिंग है कि नहीं है, तो ये मैंने लोडिंग लिख ली डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरीड डाउन, इस पे जीआईटी की लोडिंग 2,000। अब मैं आपको इसको 2 मिनट इंटरप्रेट करके दे रहा हूं कि होगा क्या, हुआ क्या। हेड ऑफिस बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने ब्रांच को 1,20,000 के गुड्स भेजे, मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। हेड ऑफिस की खुशी थोड़ी सी कम हो गई। एंड में मालूम पड़ा कि ब्रांच को तो मिले ही थे 1,08,000 के गुड्स, तो इसीलिए हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट कम कर रहा है। समझ में आया बच्चों? बेटा क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ाना, और डेबिट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट कम करना। बच्चों समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको बस यही समझना है कि आपको क्रेडिट करना है मतलब प्रॉफिट आप बना रहे हो, और डेबिट कर रहे हो मतलब प्रॉफिट गिरा रहे हो। समझ में आई बात कि नहीं? चलो सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम बोलो। सेकेंड थर्ड हो गया जी, बोलो। क्रेडिट सेल पहले कि क्लोजिंग लेटर्स पहले? क्रेडिट सेल्स पहले। क्रेडिट सेल्स कहां पर आएगा? ब्रांच का स्टॉक कम होगा कि बढ़ेगा? ब्रांच का स्टॉक कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, कम होगा। बाय ब्रांच डेटर्स, जल्दी बताओ कितना? 1,16,000। अब एक काम करो, ये क्रेडिट सेल है ना, तो इस बहाने एक अकाउंट और बना लो। कौन सा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बताओ इसको कहां डालोगे? टू ब्रांच स्टॉक, कितना? 1,16,000। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। हाँ जी, तो ये डेटर्स में आ जाएगा। बाय बैलेंस कितना? 41,600। नेक्स्ट जल्दी बोलो, नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स आपके जाएंगे बाय बैड डेट्स कितना? हाँ याद रखना, जब हम पीएनएल बनाएंगे तो इसको पीएनएल में ले जाएंगे बाद में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट कैश। कैश इसके मतलब कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश बनाना पड़ेगा। अच्छा कैश रेमिटेड टू एचओ से क्या होगा, कैश आया कि कैश गया ब्रांच का? हाँ ब्रांच का कैश, ब्रांच का गया, तो मतलब बाय कैश 86,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बाय बैलेंस, हाँ 4,000। नेक्स्ट कैश, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दिया, ठीक है, तो टू कैश 6,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ अब देखो जीआईटी भी 12,000 था, क्लोजिंग स्टॉक भी 12,000 है, ठीक है ना, स्टॉक 12,000। बच्चों इस 12,000 के ऊपर भी आपको लोडिंग निकालनी पड़ेगी। एचओ बड़ा खुश हो रहा था, मैंने 1,20,000 के गुड्स भेजे, वो बेचेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, उसने बेचा ही नहीं, उसने 12,000 के गुड्स नहीं बेचे, मुझे हटाना पड़ेगा प्रॉफिट। बोलो बच्चों समझ में आएगी नहीं? तो इस 2,000 12,000 में कितना हटेगा?
2000 कितना स्टॉक के ऊपर ये रिजर्व हट गया। चलो नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, मतलब ये कैश में हुए होंगे। अरे बोलो यार, ऊपर लिखा भी हुआ है कि ब्रांच अपना कैश खुद ही बियर करता है, खुद ही एक्सपेंसेस बियर करता है। बोलो बेटा, तो यहां पर बाय एक्सपेंसेस कितना 24,000। चलो और बोलो, और कोई आइटम नहीं है। सबसे पहले डेटर्स को क्लोज करो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपने पढ़ा हुआ है ना, सबसे पहले डेटर्स को क्लोज करो। बेटा क्या आ रहा है 74? ये 74 को क्या बोलेंगे, कलेक्शन। बोलो बेटा, तो बाय ब्रांच कैश 74,000, ये कलेक्शन हुआ कैश का। अब ये कलेक्शन कैश का कहां जाएगा, जल्दी बोलो। ब्रांच कैश में डेबिट साइड में टू डेटर्स कितना 74। बोलो बेटा, अब इसको क्लोज करो जल्दी। ये हो गया डेटर्स, कैश को क्लोज करो। सब लोग निकालो जल्दी, 34 बेटा डेबिट साइड में 34। जल्दी बोलो, डेबिट साइड में 34। ये कैश बढ़ रहा है, ये कहां से बढ़ा बेटा, आपको याद है सिर्फ क्रेडिट सेल दी हुई थी, सिर्फ क्रेडिट सेल दी हुई थी, तो ये कौन सी वाली सेल होगी, तो टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 34,000। इस 34,000 को कहां शिफ्ट करोगे, अरे इस 34,000 को कहां शिफ्ट करोगे, हाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। ये बाय ब्रांच कैश 34। अब आपको पता है क्या कि इसकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको पता है क्या कि इसकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है कि नहीं? हमें नहीं है पता, क्यों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस का अमाउंट नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ कॉस्ट 100 और लोडिंग मिला के 120 आईपी है पता। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं, तो हमें नहीं है पता, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। अगर पता होता कि सेल प्राइस डिफरेंट है तो सेल और आईपी का डिफरेंस निकाल के मैं डेबिट करता यहां पर, अरे बोलो ना, क्योंकि मुझे इसको हमेशा किस पे दिखाना है, आईपी पे, ज्यादा पे दिख रहा है तो मैं हटा के यहां पर दिखाता, और इसकी पोस्टिंग कहां जाती, एडजस्टमेंट में जाती। बच्चों बेटा क्लियर, क्लियर है कि नहीं, अच्छा अब बाकी सब चीजें हो गई। बोलो बेटा क्लियर हो गई, आपके कौन कौन से अकाउंट क्लोज हो गए, डेटर्स और कैश क्लोज हो गए। अब स्टॉक को क्लोज करो, 54,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में, चेक करो सब लोग। आ रहा है बेटा, ये 54,000 यहां किस बात का आ रहा है, 54,000 किस बात का आ रहा है, मैंने बताया था आपको लोडिंग, कौन सी वाली लोडिंग, पक्की बात है ब्रांच ने 120 रुपए इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा होगा बेटा, एक्स्ट्रा बेचा होगा सेलिंग प्राइस पर, बोलो ना, तो इसको तुम डायरेक्टली कहां शिफ्ट करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। बेटा समझ में आएगी नहीं, अब देखो यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट में एक और चीज आ गई, ब्रांच स्टॉक। अब मैं आपको फिर से इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, प्लीज 2 मिनट सुन लो ध्यान से, इंटरप्रिटेशन देखो, ये 20,000 क्या है, वो ठीक है गुड सेंट है, ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1,00,000 के गुड्स 1,20,000 में भेजे, तो हेड ऑफिस खुश होने लगा, चलो 20,000 का फायदा होगा 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 होगा, आया समझने की नहीं। ब्रांच ने 1,20,000 के गुड्स मार्केट में और ज्यादा दाम पर बेच दिए, बोलो बेटा, तो और ज्यादा प्रॉफिट हो गया, आया समझ में कि नहीं, तो बताओ 20,000 का प्रॉफिट किसका, हेड ऑफिस का, और 54,000 का प्रॉफिट किसका, ब्रांच की मेहनत, आई बात समझ में कि नहीं। फिर ये 2,000 ये डेबिट क्यों हो रहे, हेड ऑफिस ने 1,00,000 रुपए के गुड्स 1,20,000 में भेजे थे, उसमें से 12,000 के गुड्स तो पहुंच ही नहीं पाए, तो 2,000 को तो हेड ऑफिस को हटाना पड़ेगा,
और 12,000 के गुड्स उधर ने उसने सेल ही नहीं किए, तो फिर से 2018 पड़ेगा। बोलो बेटा, तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ कि हेड ऑफिस की मेहनत 20-4 मतलब हेड ऑफिस की मेहनत 16,000 की है, हेड ऑफिस की मेहनत 16,000 की है और ब्रांच की मेहनत 54,000 की है, तो इसका मतलब 16 और 54 या फिर 20-54 माइनस 4 आपका प्रॉफिट हो गया कंपनी का। बोलो बेटा कंपनी का प्रॉफिट निकालो कितना हुआ, 2 ब्रांच पीएनएल 70,000। आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है एडजस्टमेंट का उसको ब्रांच पीएनएल में ले जाते हैं। बेटा बात समझ में आएगी नहीं, इट इज एज गुड एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, इट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी तो आपका पीएनएल में जाता है बच्चों। अच्छा आप पीएनएल में आते हैं बाय ब्रांच पीएनएल, सबसे पहले बाय ब्रांच एडजस्टमेंट का 70,000 जीपी आया। अरे बोलो ना, अब बताओ बैड डेट कितना था, एक्सपेंसेस कितने थे, 24,000। कोई शॉर्टेज था क्या, बोलो बच्चों कोई शॉर्टेज था क्या, नहीं था शॉर्टेज। बस निकाल लो प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट, ₹45,600। बेटा दिस इज योर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ फिर से, स्टॉक एंड डेटर्स में रूल क्या है, ब्रांच स्टॉक हमेशा किस पे बनेगा, जो चीज आईपी पे नहीं होगी उसको आईपी पे लाने के लिए लोडिंग हटाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा जितनी चीजें आप आईपी पे लिखोगे अलग से ब्रांच एडजस्टमेंट में उनकी लोडिंग जाएगी। बोलो बेटा, अगर ब्रांच स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रहा है, कौन सा साइड आ रहा है, 54,000, तो उसको आप लोडिंग मानोगे एक्स्ट्रा सेलिंग वाली। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर नहीं आके क्रेडिट साइड में आ रहा है फिर क्या करोगे, शॉर्टेज मानोगे, एबनॉर्मल आइटम। क्या मानोगे, एबनॉर्मल आइटम, शॉर्टेज मानोगे। बोलो बेटा, और वो भी आईपी पर आएगा तो उसका भी लोडिंग हटके एडजस्टमेंट में जाएगा और बाकी जो कॉस्ट होगी वो आपके पीएनएल में जाएगी बेटा, एबनॉर्मल लॉस। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं। अच्छा ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया, इसके अलावा 2 सपोर्टिंग अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे डेटर्स और कैश के। कौन से 2 सपोर्टिंग अकाउंट, डेटर्स और कैश, और हमेशा ये दोनों अकाउंट पहले क्लोज होंगे। ब्रांच स्टॉक पहले क्लोज मत कर रहा, पहले कौन सा क्लोज होगा, डेटर्स और कैश, क्योंकि यहां से आपको कुछ मिसिंग फिगर्स मिलेंगे जो आपको स्टॉक में डालने पड़ेंगे। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं, मेन आपकी कहानी स्टॉक एंड डेटर्स की यही थी। समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, नो। इसी से जुड़ा हुआ कनेक्टेड लास्ट मेथड है डेटर्स मेथड। कौन सा मेथड, डेटर्स मेथड। गाइस डेटर्स मेथड कहता है कि एक सिंगल ब्रांच अकाउंट बनाओ, कौन सा अकाउंट बनाओ, ब्रांच अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेटा, ब्रांच अकाउंट। बेटा क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले उस ब्रांच अकाउंट में आपको ब्रांच से ब्रांच के असेट्स और लाइबिलिटीज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस डालने, कौन से बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रांच के असेट्स और लाइबिलिटीज के, कौन से फिर से बोलो, ब्रांच के असेट्स और लाइबिलिटीज के। बेटा इसी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी नहीं थे आई थिंक, जल्दी बोलो कुछ थे क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस थे, स्टॉक था, जीआईटी था, डेटर था, कैश था, बोलो बेटा था, तो आप क्लोजिंग बैलेंस डालोगे तो बाय बैलेंसेस कैरीड डाउन, जल्दी बताओ कौन कौन से बैलेंसेस है, जल्दी बोलो बेटा, स्टॉक 12,000, आप आई थिंक शायद आईपी पे बता रहे हो, मुझे बता रहे हो ना आईपी पे, ये ठीक है, जीआईटी, बोलो बेटा, कैश 4,000, डेटर्स, डेटर्स का क्लोजिंग 41,600। बोलो बेटा क्लियर। अच्छा कुछ लाइब्रेरी का क्लोजिंग भी है क्या, टू बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं है, अगर होती तो हम लिख देते। बोलो बच्चों क्लियर, बोलो बेटा, अच्छा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन निल, क्योंकि है ही नहीं ओपनिंग बैलेंसेस, यहां बेटा असेट्स के आते हैं ठीक है ना, और बाय बैलेंस कैरीड डाउन
यहां कौन से आते हैं? लाइब्रेरीज के। अब मुझे बताओ आपने स्टॉक और जीआईटी किस वैल्यू पे लिखा है? तो इसका लोडिंग कितना होगा? 4000, दो दो तो 4000 की लोडिंग। अपोजिट साइड में लिख दो टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, बोलो बच्चों। अगर आप ऊपर अगर आप स्टॉक दिखाते तो उसकी भी लोडिंग कहां आती? क्रेडिट साइड में। बोलो बेटा, क्लियर। चलो अब एक एक करके आइटम बोलो। पहला आइटम क्या है? हाँ बेटा, कितना? गुड्स सेंट टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसकी आईपी कितनी है? 120। तो यहां पर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अरे मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो ब्रांच अकाउंट होता है ना, इसको ना एक पर्सनल अकाउंट की तरह मानो। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट समझते हो? मतलब क्या? आउटसाइड पार्टी। क्या मानोगे? मतलब ब्रांच हेड ऑफिस के लिए एक आउटसाइड पार्टी है। जैसे दूसरे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं ना, वैसा मानो। मुझे एक बार जवाब देना, आप अगर कभी आउटसाइड पार्टी को सेल करते हो तो उसकी एंट्री अपनी बुक्स में करते हो? आउटसाइड पार्टी जाके दूसरों को सेल करती है, उससे आपको कोई मतलब? यही चीज आपको यहां करनी है। आप जब ब्रांच को भेजोगे या जब आपको ब्रांच वापस करेगा तो आप रिकॉर्ड करोगे। ब्रांच जाके क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आया समझ में कि नहीं? तो ट्रीट ब्रांच एज आउटसाइड पार्टी। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन है पहला? गुड्स एंड टू ब्रांच। क्या ये ट्रांजेक्शन मैंने ब्रांच के साथ किया है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्या ये ट्रांजेक्शन मैंने ब्रांच के साथ किया है? तो रिकॉर्ड करूं टू गुड्स सेंट। कितना बेटा इसका लोडिंग? बोलो। अपोजिट साइड इसका लोडिंग आएगा बाय गुड्स सेंट के नाम से ही। अब आपके मन में ना एक बात आनी चाहिए कि सर आप डेबिट साइड में 120 लिख रहे हो, क्रेडिट साइड में 20 लिख रहे हो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में 12 लिख रहे हो, डेबिट साइड में 4 लिख रहे हो, तो सर कॉस्ट पर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। पर अगर आपको इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि नहीं ये ब्रांच अकाउंट आपको आईपी बेसिस पर बनाना है, तो लोडिंग आपको अपोजिट साइड में दिखानी पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं? अच्छा नेक्स्ट बोलो आगे। हाँ ठीक है, कर ले रिसीव। हमने तो कर लिया ना 120 भेज के, 12000 रिकॉर्ड कर लिया जीआईटी। चलो नेक्स्ट बोलो। क्रेडिट सेल मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? ब्रांच की सेल है। अच्छा नेक्स्ट। क्लोजिंग डेट लिख लिए, लिख लिए। नेक्स्ट मुझे कोई मतलब नहीं है बैड डेट से, उसके बैड डेट से। हाँ नेक्स्ट। हाँ उसने मुझे कैश दिया। बोलो बेटा, उसने मुझे कैश दिया ना, तो एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? कैश अकाउंट डेबिट। अरे आउटसाइड पार्टी से कैश आया है, बोलो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट बाय कैश। कितना? हाँ नेक्स्ट। मुझे ये क्लोजिंग कैश लिख लिया। बोलो ना बेटा, क्लोजिंग कैश लिख लिया ना। हाँ नेक्स्ट। कैश रिमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हाँ हमने उसको कैश दिया तो टू कैश। कितना? 6000। नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो बेटा, हमें कोई मतलब नहीं है। और कुछ? बोलो बेटा और कुछ नहीं। पक्का कर लो इसको क्लोज। फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड। पिछले मेथड में भी 45600 आया था। देखो नेट प्रॉफिट पिछले मेथड में 45600 ही आया था पीएनएल से। कहने का मतलब स्टॉक एंड डेटर्स और डेटर्स मेथड का आंसर सेम आएगा, और इसको बोलेंगे 2NP। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? सो गाइज दिस वॉज योर डिपेंडेंट ब्रांच। इंटायरली चार मेथड देखे, फाइनल अकाउंट सिस्टम, कॉस्ट बेसिस, आईपी बेसिस, और कौन सा था तीसरा? स्टॉक एंड डेटर्स, और चौथा डेटर्स। कोई डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। रूल्स बना के चलोगे, चारों मेथड को इकट्ठा देखोगे, लॉजिक्स देखोगे, उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? हाँ जी, रिवाइज करवा लिया मैंने। समझ में आ गया इसको? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो।
तुम लोगों को ऐसे कोई पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे हम करते थे तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो तुम पूछ सको? ऐसे कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो पॉइंट पूछ सकते हो बेटा? कुछ भी नहीं सर, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ना पहले। हाँ, व्हाट्सएप। दिस वॉज डिपेंडेंट ब्रांच। कौन सा ब्रांच? डिपेंडेंट। आप कौन सा बचा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच बताओ क्या होगा? ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन कर रहा है और हेड ऑफिस अपना सेपरेट मेंटेन कर रहा है। ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट और पेंडल, हेड ऑफिस का बैलेंस शीट और पेंडल, बस दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है। बच्चों समझ में आए कि नहीं? क्या करना है? मर्ज करना है। बच्चों क्लियर है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी। कानपुर ब्रांच सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ये शब्द लिखा हुआ है कानपुर ब्रांच सबमिट्स फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब हमारी ब्रांच ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गई। डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। हमारी ब्रांच ट्रायल बैलेंस हमें सबमिट कर रही है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है बेटा, टू इट्स हेड ऑफिस। अच्छा, ये ब्रांच अपनी हेड ऑफिस को ट्रायल बैलेंस सबमिट करता रहता है, क्यों? ब्रांच का काम है सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक करना, बैलेंस शीट पेंडल वगैरह ब्रांच का काम नहीं है। बैलेंस शीट पेंडल बनाना किसका काम है? जब हेड ऑफिस अपनी ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट पेंडल बनाएगा तो उसमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस से भी आइटम इनकॉर्पोरेट कर देगा। बच्चों समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो आइए बेटा। लखनऊ ब्रांच है, नहीं सॉरी, कानपुर ब्रांच है और लखनऊ हेड ऑफिस है। क्या क्या भेजा है? फर्नीचर इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, रिसीव्ड, सेंट नहीं लिखा है, रिसीव लिखा है, रिसीव्ड लिखा है। ठीक है, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, उसके बाद कैरिज इनवर्ड, क्रेडिट बैलेंसेस में क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ये लाइबिलिटी दिख रही है, पेबल। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स और हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट दिख रहा है। स्टॉक 31 मार्च को कितना वैल्यूड है? कितना वैल्यूड है? ऑन 29 मार्च द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10 लैक्स टू इट्स ब्रांच, ब्रांच डिड नॉट रिसीव दीज गुड्स बिफोर 1st अप्रैल। बच्चों किसने गुड्स भेजे? हेड ऑफिस ने। किसको? हेड ऑफिस ने तो अपना काम कर दिया होगा, एंट्री भी क्या कर दी होगी? सोचो सोचो, एंट्री सोचो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने अपना काम कर दिया है। ये गुड्स किसको रिसीव होने चाहिए? ठीक है 31 मार्च तक रिसीव नहीं हुए, पर रिसीव होंगे तो सही ना? तो किसने अपना काम कंप्लीट अभी तक नहीं किया है? ब्रांच ने। तो ब्रांच को 31 मार्च को क्या दिखाना पड़ेगा? गुड्स इन ट्रांजिट। क्या दिखाना पड़ेगा? गुड्स इन ट्रांजिट। तो ब्रांच सबसे पहले एंट्री पे क्या पास करेगा? ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? बोलो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। बोलो बेटा। बेटा जब ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है ना, वो ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों अपना एक दूसरे का अकाउंट डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। ठीक है, कितने से होगा ये जल्दी बोलो? 10 लैक्स। अंडरस्टूड गाइस? चलिए नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या होगा? ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज्ड ब्रांच रुपीज 1 लैक फॉर द सेंट्रलाइज सर्विसेज फॉर विच ब्रांच हैज नॉट पास द एंट्री। अरे
हेड ऑफिस ने बड़े लेवल पर खर्चे किए होंगे अपनी सभी ब्रांचेस के लिए, तो उसने इस कानपुर ब्रांच के लिए कितना खर्चा किया? 1 लाख. हेड ऑफिस कानपुर ब्रांच के लिए खर्चा कर रहा होगा तो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या की होगी? मैं तुम्हारे बिहाफ पर खर्चा कर रहा हूं, खर्चा मेरा नहीं, खर्चा तुम्हारा है, तो एंट्री क्या करूंगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश. बोला बेटा, तो ब्रांच को एंट्री क्या करनी चाहिए? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. कितना? 1. बोलो बेटा, बच्चों बोलो, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट. हमने कर लिए दोनों जर्नल एंट्रीज. बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, बुक्स ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट कितना बैलेंस दिख रहा है? ब्रांच की बुक्स में कितना दिख रहा है? 80. अब ये दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग करो. GIT 10 और एक्सपेंसेस 1. बोलो बेटा, कितना हो गया बैलेंस? 2 बैलेंस 91. बच्चों समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? 91. क्या बनाना है हमें? ब्रांच की बैलेंस शीट बनानी है. फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट. बच्चों पीएनएल और बैलेंस शीट, पीएनएल में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस वगैरह, ये सब आता है. बोलो बेटा, बताना ब्रांच के पीएनएल, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में क्या क्या आता है? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस वगैरह. तो ब्रांच के ट्रेडिंग पीएनएल में जल्दी ढूंढो, ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह कितने हैं, जल्दी बोलो. ओपनिंग 60, ठीक है. क्लोजिंग कितना है ढूंढो? 62. बोलो बेटा, 62. चलो और देखो, गुड्स सेंट था क्या? गुड्स सेंट या गुड्स रिसीव? गुड्स रिसीव कितना था? 288. बोलो बेटा, गुड्स रिसीव 288. रिटर्न भी था क्या? कितना? 5. बोलो बच्चों, अब सुनो, इस अकाउंट में GIT आपको नहीं दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा है क्या? एक तरीका ये, अगर आपको GIT दिखाना है तो यहां पर आपका GIT आ जाएगा और यहां पर उतने से प्लस हो जाएगा. अरे मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, आप डेबिट साइड दिखाओ, फिर आप क्रेडिट साइड में दिखा दो, या तो आप दोनों साइड में मत दिखाओ. समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कैरिज इनवर्ट भी आ गया. बोलो बच्चों, सब क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये बोलता कि जो ये 62 ओके गुड्स हैं, इसमें हेड ऑफिस का लोडिंग छुपा हुआ है 2 का, तो आप ये कहां लिखते? क्या हम ये डेबिट साइड लिखते? क्या हम ये डेबिट साइड लिखते? कुछ लोगों ने बोला हां. मैंने आपको क्या बताया था कि हेड ऑफिस का प्रॉफिट है तो हटाएगा भी कौन? हेड ऑफिस अपने पीएनएल में. क्या ब्रांच के पीएनएल से हटेगा क्या? नहीं हटेगा. इस बात का ध्यान रखिए बेटा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए, सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो. समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं? दैट्स इट. बाकी बैलेंस शीट आपकी सिंपल सी है. बैलेंस शीट में स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट भी दिख रहा है. और देखो फाइनल हेड ऑफिस का जो बैलेंस होगा वो ये 91 हमने भी कर दिया था, ये 91 का बैलेंस. इसके अलावा 24 का नेट प्रॉफिट जो पीएनएल से आया उसका. सिंपल सा अकाउंट. गाइज अंडरस्टूड और नॉट? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? चलो, सो दिस वॉज योर ब्रांच. मैंने आपको फॉरेन ब्रांच नहीं करवाया क्योंकि AS11 में अपन ने उसका इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, नीफो और ईफो, हमने ऑलरेडी उसको कर लिया था. बस मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया. गाइस समझ में आया इतना? टेल मी गाइस, समझ में आया कि नहीं? हे गाइस, थैंक यू सो मच. आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो. अगर आप मुझसे डाउट व्हाट्सएप पे डाउट पूछना चाहते हो तो 7887787 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. जनरली मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स के लिए अवेलेबल होता हूँ, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ डाउट्स के लिए. हालांकि टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है डाउट्स एंड डिस्कशन का, वो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि उस ग्रुप में
मैं भी रिप्लाई करता हूं डाउट्स के लिए, और अगर मैं नहीं भी रिप्लाई करता हूं तो बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो रिप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकती है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे ये सारे के सारे वीडियोज जरूर शेयर करिएगा अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी जूनियर्स के साथ, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपने मेरी क्लासेस पहले नहीं की थी, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं, तो आप जरूर अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिएगा कि वो मेरी क्लासेस परचेज करें, रेगुलर कोर्स परचेज करें या फिर फास्ट ट्रैक कोर्स परचेज करें। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि सीए इंटर में स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात अगर करें तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेपरेट बुक आता है ट्रंप, राइट। मेरा एक सेपरेट बुक आता है ट्रंप करके, राइट, और एक अलग से एक बुक आता है एएस चार्ट बुक, और सारे टॉपिक्स का एक चार्ट बुक, वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त तरीके से मैंने बनाया है। आई होप आपको उस बारे में पता भी हो, मैंने इस टॉपिक के बीच में वो चीज डाली थी, तो आप अगर लगता है कि आपके लिए वो बुक जरूरी है, आपको लगता है कि वो बुक अच्छी है, तो आप जरूर वो ऑर्डर कर सकते हो वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई होप आप मुझे फीडबैक जरूर देंगे कि आपको लेक्चर्स मेरे कैसे लगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आपके कैसे जाएंगे, आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आप मुझे सब बताएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।